कार्यक्रम में लिए चलते हैं भवानी निकेतन, जहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आप देख रहे हैं भवानी निकेतन परिसर से ये तस्वीरें। अब से कुछ देर पहले जब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे थे जयपुर एयरपोर्ट, फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आपको तस्वीरें भी दिखाई थी और सुनवाया था राहुल गांधी के हाल ही के बयान पर। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा भी, लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भवानी निकेतन से तस्वीरें सीधी फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है। परिसर में पहुंच गए हैं और कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं भवानी निकेतन, पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। तस्वीरें आपके सामने, सभी के साथ मुख्य मंच पर मेल मुलाकातों का दौर जारी है और स्वागत सम्मान का दौर भी अब से कुछ ही क्षणों में नजर आएगा। देखिए मौजूद लोगों को हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। भवानी निकेतन के विधि महाविद्यालय का भवन लोकार्पण समारोह जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि जब वो कॉलेज पहुंचे, विश्वविद्यालय पहुंचे, तो छात्रों की ओर से उनका स्वागत किया गया पारंपरिक अंदाज में स्वागत। और ये तस्वीरें जब वो वहाँ पहुँचे, तस्वीरें मंच से भी आप देख रहे हैं, मौका खास है क्योंकि नया भवन भवानी निकेतन पहुँचे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। मेल मुलाकातों का दौर जारी है, तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जयपुर के दौरे पर हैं और जयपुर के भवानी निकेतन कॉलेज पहुंच रहे हैं। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीर, जिस समय वो पहुंच रहे, ये देखिए तस्वीर, वहां से उतरने के साथ ही मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया और उसके बाद अब मुख्य मंच पर, क्योंकि आज समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री। भवानी निकेतन विधि महाविद्यालय में कार्यक्रम और लॉ कॉलेज भवन का लोकार्पण किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। सर, भारत माता की, इसे दिन तो आपने इम्पोर्टेंट ही सुना है और जहां तक मुझे जानकारी है कि वहां अमेरिका में भी उस समय शाम का ही समय था, परमेश्वर की शाम का ही समय था, तो एक तो महत्वपूर्ण दिन और शानदार कार्यक्रम। मैं थोड़ा सुबह के कार्यक्रम के बाद आज शाम को आया, उसका कारण था कि हरियाणा में दो विधानसभाओं में नॉमिनेशन की मेरी ड्यूटी लगाई थी पार्टी ने, तो मैं हरियाणा में था, लेकिन मुझे इच्छा हो रही थी मुझे जाना ही चाहिए, तो मैंने परमेश्वर जी को कहा कि मैं ना शिवपाल सिंह जी से बात करो ना, ये प्रोग्राम शाम का हो सकता है क्या, तो ये प्रोग्राम शाम का हो गया और मुझे आप सबके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो गया। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पत्रकार साथी भी हैं, आपको भी नमस्कार। देखिए, तीन चार चीजें मैं मेरे विभाग से संबंधित कहूंगा। आज आपका जो बिल्डिंग है भवानी निकेतन विधि महाविद्यालय, उस भवन का एक लोकार्पण समारोह है। मेरे पास परसों आपके पदाधिकारी आए थे, तो मैंने कहा यार है मुश्किल काम, हरियाणा में ड्यूटी लग रही है, तो इन्होंने कहा आना पड़ेगा आपको। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूं। उसके बाद मैंने फोन किया हमारे मदन मिश्रा साहब, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं और अभी अभी वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद भी बन गए हमारे मदन मिश्रा जी। उनको मैंने कहा यार मैं जा रहा हूं जयपुर और आप अगर अनुमति नहीं देंगे तो मेरे जाने का फायदा क्या है। मैंने कहा मैं तभी जाऊंगा जब आप अनुमति देंगे, तो शायद आज ही अनुमति आ गई, आज ही अनुमति आ गई। अब एलएलएम वाली कोई और बाकी है क्या, है क्या? वो भी राजेंद्र जी करा देंगे सर, करा देंगे, वो भी करा देंगे। जब आप इतना श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित या हमारे मंत्रालय से संबंधित कोई काम शेष नहीं रखेंगे साहब, ये मैं यहां विश्वास दिलाता हूं। देखिए अभी जो भी लॉ में पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 1 जुलाई 2024 से 3 न्यू क्रिमिनल लॉज लागू हो गए हैं।
भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो तीनों कानून थे, मैं थोड़ा आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूं कि जब हमारा 1857 में जिसको हमने स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन कहा, लेकिन अंग्रेजों ने इसको गदर कहा, और हमें भी पुस्तकों में पढ़ाते थे अंग्रेजी कालखंड में कि भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह किया, म्यूटिनी, इट वॉज नॉट ए म्यूटिनी, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन था जिसको वीर सावरकर ने सबसे पहले कहा। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेजों ने देखा कि हमें तो इसको लंबा शासन करना है, तो क्या करें, ये नागरिक तो जागरूक हो गए, सब एक होकर के लड़ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो यहीं से शुरू होता है ये 100 साल। वैसे महत्वपूर्ण है, 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की रेवेन्यू राइट्स मिले थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया हमारे देश में, लेकिन एक लिमिटेड एरिया में था। लेकिन 100 साल बाद 1757 से ठीक 1857, ठीक 100 साल बाद हमारे देश में पूरा अंग्रेज राजा का शासन आ गया, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जब सोचा भी क्या करें, तो 1858 में पहला एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहला पास किया, पास करने से कहा कि हमारे को यहां कोडिफिकेशन करना चाहिए, अगर ये नागरिक एक उचुट हो रह गए तो हम कैसे यहां शासन करेंगे, तो अंग्रेजों को तो दंड देना था, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता लेकर के आए, मोदी जी को न्याय देना है इसलिए वो भारतीय न्याय संहिता लेकर आए।